गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर के उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और उस गिब्स फ्री एनर्जी के से उसको कोरिलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए थ्योरी क्या कहता है। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल इक्वेशन लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल इक्वेशन ए प्लस बी से बन जा रहा है सी प्लस डी। ले लिए, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल इक्वेशन ले लिए, ठीक है। इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, नहीं ये बी ये निकला, ठीक है। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए प्लस बी से क्या बन गया, ये बन गया। तब हम लोग को निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी और इसके बीच रिलेशन। तो एक इक्वेशन आता है डेल्टा जी, इस इक्वेशन के लिए लेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, मतलब के इक्विलिब्रियम हुआ डेल्टा जी। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तो हम लोग पढ़े हैं जीरो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लोग इसके पहले पढ़े थे डेल्टा जी क्या होता था, जीरो। तो डेल्टा जी जीरो है, पढ़े थे ना एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव वैल्यू होता था। तभी हम लोग डेल्टा जी इक्विलिब्रियम के लिए निकाल रहे हैं। तो ये जीरो इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन को हटा करके अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ लॉग के टर्म, चूँकि जो भी प्रॉब्लम बनाइएगा तो वो लॉग के टर्म में ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, क्या पढ़े, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है तो डेल्टा जी जीरो हो गया माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, हम लोग पहले निकाल लिए के इक्विलिब्रियम। इस फार्मूला पे भी न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एक आधु न्यूमेरिकल बनाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, देखिए कहता है डिटरमाइन वेदर और नॉट इट इज पॉसिबल फॉर सोडियम टू रिड्यूस अल्मोनियम ऑक्साइड टू अल्मोनियम एट 298 केल्विन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, गिवन दैट डेल्टा जी एफ ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, के दिया हुआ है सोडियम का, ठीक है, और जी एफ सोडियम ऑक्साइड का दिया हुआ है 298 पर माइनस 370
377 किलो जूल पर मोल है। अब निकालना है हमको डेल्टा जी नॉट एफ किसका, अल्मोनियम ऑक्साइड का। तो इक्वेशन बनाइए, रिड्यूस करता है अल्मोनियम को, तो देखिए रिड्यूस कर पाता है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस होगा तो देखिए क्या होता है, निगेटिव में तो है अल्मोनियम ऑक्साइड। अल्मोनियम ऑक्साइड क्या कहता है, डिटरमाइन द वेदर रिएक्शन, नहीं तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा अल्मोनियम प्लस सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड बना दिया, अल्मोनियम बना दिया, ऑक्साइड हो गया तीन। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 6 Na2O 6 Na 4 अल्मोनियम बैलेंस हो गया। नहीं नहीं सोडियम तो ज़्यादा हो गया, नहीं सोडियम आपका ज़्यादा हो गया, इसको 3 से कीजिए। ऑक्सीजन इसको भी तब रहने दीजिए, इसे अल्मोनियम तब 2 हो जाएगा, कितना हो गया 2 अल्मोनियम 2 अल्मोनियम 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 6 सोडियम 6 अब हो गया बैलेंस। ठीक है तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा जी नोट इस इक्वेशन का। तो डेल्टा जी नोट किसका होगा, 3 × g फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सोडियम ऑक्साइड माइनस जी फॉर्मेशन ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड, चूँकि अल्मोनियम और सोडियम का तो जीरो होगा, इसको लिख सकते हैं इसे एक बार, अगर लिखना है तो इसका क्या होगा, प्लस 2 × g फॉर्मेशन ऑफ अल्मोनियम माइनस जी फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 प्लस 6 g फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। तो प्योर स्टेट में सबका क्या होता है, जीरो। तो इसका दोनों का जीरो होती है, कितना हो जाएगा 3 × g सोडियम ऑक्साइड का कितना है बना हुआ, 377 है माइनस 377 इसका हो जाएगा जीरो माइनस इसका दिया हुआ है कितना 298 है जी 298 इज इतना 30 का हो जाएगा कितना है माइनस 1582 किलो जूल। ये है इसका फिर जीरो हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1582 तो ये हो जाएगा 4 इतने ना हुआ, इसमें 2 में 1 घटा दीजिए 485 किलो जूल निकल गया। डेल्टा जी नोट हमको पता चल गया नहीं, तभी क्वेश्चन लगाते हैं डेल्टा जी नोट बराबर क्या पड़े थे 2 - 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, यही कह रहा है निकाल लें। डिटरमाइन वेदर और नॉट इट पॉसिबल सोडियम इज रिड्यूस टू अल्मोनियम, इतना कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना है, गिवन दिया हुआ है उतना उतना नहीं तो निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये निकल गया आपका 451 माइनस 2.303 आर का वैल्यू पुट कर दीजिए
किलो जूल में निकला है सब, तो 8.314 इंटू 10^-3 टी है आपका 298 केल्विन, नहीं तो लॉग के, तो लॉग के, लॉग के निकल जाता है कितना, -79.04। माइनस में है तो इसका एंटी लॉग देखने के लिए +1 -1 करना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, इसको लिख सकते हैं आप -79 -1 +1 -0.04, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -80 +0.96। अब 96 का देख लेंगे हम लोग, ठीक है, एंटी लॉग, और 80 का तो 10^-80 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो गया, 10^-80 ये किस कितना हो जाएगा, इनटू इसका निकालेंगे तो 9.1 इंटी लॉग, ये इनटू में हो गया, ये कट गया लॉग के इक्विलिब्रियम कितना निकल गया, 9.1 इंटू 10^-80 ये निकल गया के इक्विलिब्रियम। इस तरह से हम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल लिया करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन इससे, इस पे हम लोग अब एक रिएक्शन और बना लेते हैं, इसको मिटा दें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कुछ नहीं था, कहता है डिटरमाइन द वेदर और नॉट इट इज पॉसिबल फॉर सोडियम टू रिड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड टू एल्युमिनियम, ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके एल्युमिनियम देगा 8 to 98 केल्विन, अल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, दोनों का डेल्टा जी अब दिले है, तो डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी अब रिएक्टेंट सम्मेशन कर देते हैं, तो सम्मेशन में तो उसमें फिर फ्री स्टेट में जो रहता है उसका फ्री एनर्जी क्या होता है, जीरो, तो उसका जीरो लेकर के डेल्टा जी नॉट निकाले, डेल्टा जी नॉट से इक्वेशन में पुट कर दिए तो जो डाटा आया, नहीं तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 4 एट के का वैल्यू 4 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, के दिया हुआ है आपका 4, टी दिया हुआ है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 + 273 298 केल्विन हो गया। कहता है रिएक्शन ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन है, इज दिस रिएक्शन एज रिटर्न स्पॉन्टेनियस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन था, निगेटिव वैल्यू होना चाहिए, तो देख लेते हैं डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, -2.303 एन आर टी, आर टी था एन तो नहीं लेते थे इसमें, आर टी लॉग के यही था, तो डेल्टा जी जीरो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी जीरो -2.303 आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 टी है 298 लॉग 4 हो गया, 4 को क्या करेंगे 2 log 2 लिख लेंगे, दिया हुआ नहीं है लॉग 2 का 4 का वैल्यू 2.303 8.314 इंटू 298 इंटू 2 log 2 इसको लिख सकते हैं, ये -2.303 8.314 298 इंटू 2 इंटू 0.3010
इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो -3.435 किलो जूल निकलता है पर मोल। ठीक है, तो ये डेल्टा जी जीरो निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा जी जीरो इज निगेटिव सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, नहीं स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे डेल्टा जी जीरो होगा रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो कुछ नहीं था इसमें, के का वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, पूछ रहा है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो निकाल लिए डेल्टा जी निगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, नहीं। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बीच। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स। अब हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ में क्या है, इंट्रोपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंट्रोपी मेजर्स दी, इंट्रोपी क्या करता है, इंट्रोपी मेजर्स दी रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है, मेजर दी डिसऑर्डरनेस, इंट्रोपी मेजर दी डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। इंट्रोपी क्या करता है, मेजर करता है रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, कुछ नहीं है, तो पहले भी पढ़े हम लोग। और इंट्रोपी डिपेंड ऑन कौन सी पर डिपेंड करता है, मास, इट्स मास, डिपेंड ऑन इट्स मास और मोलेकुलर स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है एंट्रोपी, स्ट्रक्चर मोलेकुलर स्ट्रक्चर कंडीशन में टेम्परेचर चौथा प्रेशर, ये चारों चीज पर एंट्रोपी डिपेंड करता है। तो ये प्रैक्टिकली शुरू में देखा गया, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, डिक्रीज होगा तब दिया थर्ड लॉ। ये सब पहले से मेजर था। ठीक है, देन 19 छोड़िए नहीं देना जरूरी नहीं है, देन 1906 gives a law according to this law
थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हो गया? दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इन परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी इन परफेक्ट ऑर्डर विल बी इन परफेक्ट ऑर्डर then its entropy should be zero. यही दिया कुछ है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। कह दिया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होगा? कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंट्रोपी होगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी परफेक्ट ऑर्डर then its entropy should be zero. यही हो गया। तो इसका क्या निकल जाएगा? डेल्टा एस निकल जाता है सी, डेल्टा एस निकाल लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? 2.303 सी पी लॉग टी। ये फॉर्मूला जानना है एंट्रोपी के लिए, थर्ड लॉ का, ठीक है? अब इसका पढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशंस ऑफ थर्ड लॉ। इसमें कुछ नहीं था, एंट्रोपी जान पहले से जान रहे हैं, पहले वाला वीडियो में है। एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। एंट्रोपी डिपेंड ऑन मास पर डिपेंड करेगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर प्रेशर। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। यानी क्या हुआ? टेम्परेचर अगर जीरो पहुँचा दें तो एंट्रोपी भी क्या होगा? जीरो होगा, यानी परफेक्टली इन ऑर्डर हो जाएगा। तो वही कह रहा है थर्ड लॉ ये। देन 96 गिव्स ए लॉ, ये लॉ दिया, तो उसी को कहा गया थर्ड लॉ। देन गिव्स नर्स नाम भी दे दीजिए, नर्स
gives a law. ये नर्स दिया था 1906 में. तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग लिमिटेशन पढ़ लेंगे. ले लिए. अब देखिए, अब लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ क्या है. सॉलिड मिक्सचर का, आइसोटोप के मिक्सचर का एंट्रोपी जीरो केल्विन पर नहीं होता है, उसका जीरो. कहता है सॉलिड हैविंग मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स डू नॉट हैव जीरो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एग्जांपल में जैसे क्लोरीन का आइसोटोप है, तो क्लोरीन का आइसोटोप है तो इसका एंट्रोपी जीरो नहीं होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर. क्रिस्टल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड N2O, NO, H2O, etc. डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर एट जीरो केल्विन. जब परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो इसका एंट्रोपी जीरो नहीं होगा. ग्लासी सॉलिड इवन एट जीरो केल्विन हैव एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो. ये होता है उसका ग्रेटर देन. तो अब कुछ एक रिलेशन है, टोरंटो रूल याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा. ये तो थर्ड लॉ हो गया, अब इसे स्टार दे करके याद करना है. ये याद रखना है, ये कुछ पढ़ना नहीं है. टोरंटोस रूल, टोरंटोस रूल कहता है द रेशियो ऑफ इंथैल्पी, द रेशियो ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिक्विड विल बी 88 जूल पर मोल, ठीक है, पर केल्विन. कहता है क्या होता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी बॉइलिंग, बी मतलब बॉइलिंग, इक्वल टू 88 जूल पर मोल पर केल्विन. ये क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन याद रखिएगा, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन. क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या है, जिसे हम लोग ये आगे भी पढ़ना रहेगा आपको, 2.303 log P2 by P1 log P2 by P1 equal to डेल्टा एच बाय आर 1 by T1 - 1 by T2, ठीक है. डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्लेसियस क्रेपरॉन इक्वेशन, या लॉग P2 बाय P1 या 2.303 आर भी लिख सकते हैं, यही अच्छा लगता है. 2.303 R, यही हम लोग पढ़ेंगे ऐसे भी आगे. K2 by K1
ए बाय 2.303 आर 1/T1 T2 क्लॉसियस क्लैपेरॉन ये दिया था, तो प्रेशर के टर्म में दिया था, इसको पढ़ना है ठीक है। और आपका खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स, खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स, खत्म हो गया। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है। तो इसको आप लोग केयरफुल्ली होकर के देखेंगे ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट वीडियो में थर्मोकेमिस्ट्री देखेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री का 2 वीडियो में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, फिर 2-3 लगेगा, न्यूमेरिकल उसमें होगा तो 3 वीडियो होगा और थर्मोकेमिस्ट्री हो जाएगा ठीक है। तो इसको आप लोग केयरफुल होकर के देखेंगे, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, आप सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा ताकि और आपको नेक्स्ट वीडियो, न्यू वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।